कर दिया, तो इसमें कैसा, अगर बकरे ज्यादा खा लिया कुछ तो इतना नुकसान नहीं करता। और ये अपना वेट बूस्टर का मैं आपको बता दूं कि कैसा, ये पूरा लैब टेस्टेड है, और इससे काफ़ी साल तक का अपन अपने बकरे को खिलाते थे, तो उसके पे खिला के रिजल्ट देखे, फिर उसके बाद में ये पूरा लैब टेस्ट कराए कि मतलब इसमें कोई हार्मफुल या और साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो वो सब टेस्ट करने के बाद ही ये खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों एक बार फिर हूँ मैं, यू आर गुड फिट पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। पहले आपकी दो वीडियो बन चुकी हैं जी भाई। ये वीडियो है आपकी मिक्स फीड जो आपका खुद का डेवलप है जी भाई जी। सो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक साल पहले ये आपने लॉन्च किया था, मैं भी आया था जी भाई। एंड अब तक के ये एक साल का सफ़र कैसा रहा आपके जो डेवलपमेंट का? इसमें भाई अपने मिक्स फीड में अल्हम्दुलिल्लाह भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अपनी शॉप के सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम यही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग आते हैं सबका पहला प्रेफरेंस यही रहता है। अच्छा, मिक्स फीड। हाँ, तो इसमें कैसा, मैं आपको आपको क्लोजली आप देख लीजिए आके, इसमें कैसा मैं आपको गिरा के दिखा देता हूँ पूरा एक एक चीज। तो ये चना, जौ, बाजरी, मकई, सोयाबीन और पत्ती की, आप देखो पूरे उसमें लॉट में आपको पत्ती की क्वांटिटी एकदम कम मिलेगी जी, क्योंकि अपना मिक्स फीड का काम ही है वेट बूस्ट करना जी। तो अपन पत्ती ज़्यादा नहीं रखे, पत्ती कैसा सिर्फ टेस्ट के हिसाब से, और बाकी पूरा आपको मिलेगा ग्रेन्स ही ग्रेन्स मिलेगा इसमें पूरा। चना, सोयाबीन, इसकी कोई भी मतलब क्वालिटी की कमी नहीं है। घोड़ा जीरा भी है इसमें, इसमें ऑलमोस्ट कैसा 10-12 टाइप के अनाज है, चना, सोयाबीन, जवारी, बाजरा, गेहूं, जौ, मकई, घोड़ा जीरा सब मिल जाएगा। और फिर अलग से इसमें मिनरल मिक्सचर पाउडर भी अपना वेनिला फ्लेवर का, और फिर उसके बाद में डाइजेशन पाउडर भी है थोड़ा, और कैल्शियम पाउडर भी है। तो इसमें कैसा, अगर बकरे ज़्यादा खा लिया कुछ तो इतना नुकसान नहीं करता। और ये अपना वेट बूस्टर का मैं आपको बता दूं कि कैसा, ये पूरा लैब टेस्टेड है, और इससे काफ़ी साल तक का अपन अपने बकरे को खिलाते थे, तो उसके पे खिला के रिजल्ट देखे, फिर उसके बाद में ये पूरा लैब टेस्ट कराए कि मतलब इसमें कोई हार्मफुल या और साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो वो सब टेस्ट करने के बाद ही ये खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। हाँ, जब आपने लॉन्च किया था आपके साथ कुछ फार्म्स वाले कनेक्ट हुए थे जा तक जी जी भाई, तो अब तक के वो यही प्रोडक्ट पे कंटिन्यू है जी भाई। अभी कैसा, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो अपने दुकान पर अब जो भी आता है तो अनाज तो थोड़ा बहुत लेके जाते ही है, बट सबसे पहले ये लेके जाते हैं, क्योंकि इसका कैसा वैसा रिजल्ट है। अब मैं और दूसरे भी चैनल्स पे बता चुका हूँ कि काफ़ी बार कि अब कसाई के यहाँ से मैं बकरा लाके उसको महीने का 5-5, 6-6 किलो का रिजल्ट दिखाया हूँ लाइव यूट्यूब पे, हर महीने का वेट गेन करवा के, और वो भी ये नहीं कि कुछ और खिला के अलग से, सिर्फ अपना मिक्स फीड, ये डाइजेशन पाउडर और टूअर हरी पत्ती, यही सब। अच्छा, बकरे तो मैंने आपके दोनों देखने, जो शौक के होते हैं और अपने कसाई के पास से वाके जो बनाया जी भाई, और माशाल्लाह दोनों ही बहुत शानदार है जी। लास्ट ईयर भी बताया था आपने, दो भी बहुत शानदार था। सो शौक आप खुद कर रहे हो तो इसको ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हो जी भाई, कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो आपने बताया डाइजेशन पाउडर, ये क्या है भाई? ये डाइजेशन पाउडर कैसा, ये अपने घर का बनाया हुआ है भाई, ये हकीमी नुस्खा है समझो। हमारे अब्बू को किसी ने बताया था, तो वो बहुत टाइम पहले से, मतलब बकरे का शौक तो बचपन से देखते आ रहा हूँ जी। तो वो कैसा, ये अपने बकरे को खुद पिलाते थे। अच्छा, तो फिर कितने लोग आए शॉप पे देखे कि मतलब आप क्या खिलाते हो, आप क्या पिलाते हो, तो ये अपन तो कितने साल से कंटिन्यू रखते आ रहे अपने बकरों को खुद के। तो वो लोग भी देखे, पूछे क्या है क्या नहीं, फिर एक दो लोग लेके गए तो रिजल्ट देखे, तो फिर काफी लोग कस्टमर्स का ये हुआ डिमांड कि मतलब ये शॉप पे भी रखो भाई बेचने के लिए। ये कैसे देते हैं, मतलब मिक्स करके देना? ये कैसा, अगर आप एक चम्मच एक बकरों को ऐसा पेपर पे रख के दिखा दो, अगर वो चाट ले तो अच्छा है, वरना पानी में डाल के, इतना 100 ml में पानी में डाल के कांच की बोतल में वो एक चम्मच डाल के हिला के पिला दो, और रोज मतलब खिला पिला के हो जाए तो रोज रात में इसको पिला देने का, तो इससे कैसा ये भूख बढ़ाएगा, प्लस डाइजेशन में एकदम स्ट्रांग है ये डाइजेशन में। अगर आपका ये बकरा कितना भी अनाज खा ले, कुछ भी खा, अगर ये डेली बेसिस पे अगर आप पिला रहे हो तो कभी लूज मोशन नहीं करेगा, और वेट गेनिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये कैसा आयुर्वेदिक है पूरा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ओके, एंड साइज में दो वेरिएंट दिख रहा है इसमें जी भाई, ये पाव किलो है क्या? हाँ, ये पाव किलो, इसमें तीन आता है, पाव किलो है, और ये हाफ के जी है, और 1 kg का भी एक आता है। अच्छा, सो इसका प्राइस तो शायद रिवील किया है? हाँ, इसका प्राइस है 280 rupees, ये 250 gram का है। हाँ, और 550 है हाफ केजी का, केजी, राइट, और 1000 rupees है 1 kg का। वन केजी का, ओके।
सो ये भी चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी भाई। ये कैसा भाई, अगर ये कोई भी लेके जाता है, इसीलिए पहले हाफ के जी का भी रखे हम लोग, पहले कैसा 1 kg का ही रखते थे, बट हाफ के जी का भी रखे ताकि कोई लेके जाए तो हफ्ता दो हफ्ता पिलाते, कोई भी फायदा देखता है तो और बड़ा लेके जाते हैं पैकेट। ओके, एंड योर कोर प्रोडक्ट इज मिक्स फीड जो है, तो इसमें आप एक्चुअली बैग एक ही है बट उसमें दो कैपेसिटी या दो साइज दिख रही है, दो वेरिएंट है। तो ये कैसा भाई, ये 20 kg का ही बैग ऑलमोस्ट आप कहीं भी देखोगे 20 kg का ही बैग स्टैंडर्ड रहता है, राइट। बट कैसा है, ये अभी काफी कस्टमर्स एक बकरे पालते हैं या किसी को ट्राई करने के लिए चाहिए रहता है तो वो तो लूज में भी रखते, बट अभी ये भी अपन 10 kg का बैग भी रखते हैं कि अगर जिसको छोटा बैग चाहिए या किसी का कम बजट है या कुछ भी तो वो छोटा बैग लेके जाओ। ये अपने को पड़ता है 550 का, 550 हाँ, और ये 20 kg का बैग पड़ेगा 1000 rupees का, 1000 rupees का। तो एक ट्रायल के लिए मैं कहूँगा लोगों के 550 के हिसाब से आप ट्रायल कर रहे हो जी भाई। एंड भाई हमारे पास बहुत सारे फीड शॉप्स है जी, एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी लेने के लिए जी जी आपके मिक्स फीड्स खुद के ब्रांड की, हाँ तो मिल जाए। ये देखो भाई, ये मैं आपको बता रहा था कसाई का बकरा, ये वही है। हाँ अभी भी इसको बताऊंगा मिक्स फीड, देखो कैसे खा रहा है जी। इसको जब भी दो, जब दो तो भी इसी खाएगा, तभी थोड़ी देर पहले भी खा के गए ना। हाँ हाँ वापस आया शूट में दिखाने के लिए। जितना ये लोग को ये मिक्स फीड मिले उतना कम है ये लोग के लिए, ऐसा है। ये आप खुद ही देख के बोलिए क्या वजन पे है, एकदम गोल मटोल। ये अभी इसका भाई वेट नहीं किया ऑलमोस्ट बहुत टाइम से, बट ये है 80+ ही, अभी 80+ ही है क्योंकि हर तरफ से खुला हुआ है बकरा। हाँ और ये भी अभी नया छोटा बकरा भी लाए हम बोर, तो इस पे भी अभी वेट बूस्टिंग रिजल्ट का ट्राई करेंगे जी। तो जो भी रहेगा मैं आपको वेट करके इसका और फिर 1 month बाद भेजूंगा भी मैं आपको पर्सनली, तो आप खुद देख के रिजल्ट बताना कि इसका रिजल्ट कैसा है जी। बाकी ये बहुत अच्छा खिल गया भाई, मुझे बहुत शानदार लग रहा है बकरा जी भाई। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम रखे थे भाई कल्लू कसाई, कल्लू क्योंकि इसके कलर के ऊपर। हाँ और कसाई के यहाँ से लाए थे कल्लू कसाई जी भाई, बहुत शानदार बकरा है भाई। सो फ्रेंचाइजी के लिए मैंने बात किया था, और फ्रेंचाइजी में अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में, ऑब्वियसली जब कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो ज्यादा सेल के लिए, रीसेल के लिए फ्रॉम द फीड शॉप, तो प्राइस अच्छा ही रहेगा उनके लिए, प्राइस भी कम होगा। प्लस कैसा, अभी कोई सेंट्रल साइड या कहीं और फ्रेंचाइजी ले रहा है बॉम्बे में कहीं पे भी, तो अगर ये अपने से लेंगे अगर माल तो उसको तो सेल करेंगे, और प्लस कैसा अगर वो एरिया में अगर अपने को ऑर्डर आया तो अपन खुद नहीं देंगे। अच्छा। तो जिसको फ्रेंचाइजी दिए तो समझो वही सेलिंग करे, और सेम एरिया में दूसरे फीड वाले को नहीं देंगे। हाँ हाँ मतलब एक सपोर्ट तो चाहिए। हाँ ये तो रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, सपोर्ट अपने तरफ से पूरा रहेगा। और अगर अपने पास खुद भी ऑर्डर आया तो हम नहीं भेजेंगे, वो जिसको देंगे फ्रेंचाइजी उसी के थ्रू भेजवाएंगे फिर, राइट। क्योंकि मैं आप लोगों से मिला तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैं तो और भी फीड्स वाले को बोलूंगा आके मिल लेते हैं, हाथ मिला के साथ में काम करते हैं जी, एक ठीक ठाक प्राइस पे कि पब्लिक का भी फायदा हो और सभी का फायदा हो। हाँ जी जी। सो रहमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी भाई, भाई जजाक अल्लाह खैर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी भाई।